Knock. Knock. Pie. Pie. Hat. Pie. Hat. Pie. Kakal. Hat. 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 हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी जो है 1:30 हो रहे हैं। आज मैंने बहुत ज़्यादा लेट ब्लॉग स्टार्ट किया है। मेरे सभी काम वाम हो चुके हैं, मतलब काम करने के बाद जो है घर बहुत ज़्यादा नीट क्लीन दिखता है, लेकिन मेरे बच्चे लोग ज़्यादा टाइम, मतलब ये खुशी ज़्यादा टाइम रहने नहीं देते, क्योंकि वो लोग जैसे ही आते हैं घर में, उसके बाद सब जब भी वो लोग घर पे आ जाते हैं कोई चीज जगह पे नहीं मिलेगी। मतलब ये पिल्लो भी जगह पे नहीं रहते, इनका भी ठिकाना नहीं रहता यहाँ पे। अभी काफी टाइम हो गया वो लोग घर में नहीं है, बाहर खेल रहे हैं। अभी मैं जाके देखती हूँ कि पता नहीं क्या कर... काय चल रहे क्या कर रहे हो? बताओ ठीक से क्या चल रहा है? तो फ्रेंड्स, हम मैगी बना रहे हैं क्योंकि आज दादा को बहुत मैगी खाने की मन कर रहा था, तो इसलिए हम ये कर रहे थे। तो आज ये लोग बना रहे हैं चूल्हे पे मैगी। रितु दे दो ना उसको। तो अभी ये चूल्हा जल रहा है अंदर से, मतलब बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इसको जलने के लिए। एक बार जल्दी। हाँ हो जाए। मैगी के लिए झगड़ा लगा रही तू उसको आग पे। ये बच्चा इधर। बच्चा ए डॉक्टर आता घर। अरे असं दिवसा बघ ना किती मस्त येतात, तसं आतमध्ये चांगले नाही येतात व्हिडिओ। हा रे तू गरम हो रहा है अभी, नहीं तो फिर चटके पानी गरम होने लागले। हो रहा है गर्म अंदर, दिख धीरे धीरे जल रहा है अभी। किधर गया वो? ए लेके चला गया अंदर। थाम गाड़ी। दीदी ये पैंट चेंज करे और अंदर ना वो चांगला दिसतो। फूक मारो फूक मारो। डायरेक्ट तोंडात रेयांश चटका लग जाएगा, नजदीक मत जाओ उसके। देखो गर्म हो गया अभी ये, देखो आग लग गई है भाई अंदर। फूक मारेंगे ना तो जल्दी ही हो जाएगा वो। अरे बाबा बस हो गया, घेऊन चाललंय का आत मध्ये? किधर लेके जा रहे हो रेयांश? नाना को देने? ऋतु मेरे को एक फत्ता दो ना। सब सिखाते रहती है उसको। मोटा प्लेट आणायचं होता ना जी, तो धार कुठे गेली? तो पानी यहाँ पे बहुत ज्यादा गरम हो। फिर वो कितना गरम हो गया नीचे। एक मसाला का टाकतो आधी, मसाला टाकायचा ना मैगी टाकते। अरे तेल टाकायचा। हे देख सब सिखा रहे यहाँ पे, पहले मसाला डालते, मैगी डालते, तेल डालते।
रियांश से पूछो, रियांश क्या डालते पहले? क्या हम नए बोलो ना, तू वाला वन शॉट बाती थी होईल ती बरोबर. ए बस हो गया. हाँ आणि दोन आहे. किती छान शिगडी पिटली ना. मग आता लय उकळल तिने मग व्हायला जायला. त्याच्यावर पाणी ठेवून टाक. काय बनवलंय दादा? काय बनवलंय दादा? बनवतोय. रियाश काय बनवलंय? पाठ. पाठव बिटव बसलाय का? ती मग कसली व्हायला लागली. शिगडी किती मस्त जळली बघा ना ताई एकदम. कोण खाणार आहे? कोण खाणार आहे? मारतोय त्याला. काय करू काय सोडू. दादा मॅगी झाली. तुमचं घर माहिती का तुला? हा तुमचा समचा. आम्ही तो मागचं तेल टाकलं म्हणून आपण दाखवलं. काय जास्त पडेल ना सर पाणी. बस 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 हलो होता तू. ते मसाला बघ, दे कपडा दे मी पकडते इथे. जा घरात जाऊन झोप, आम्हाला मॅगी खायची. तुला काय काय येतो बोलायला? घरी जा. सगळं बोलतो तू. यहाँ पे हम लोग की मॅगी बन चुकी है. चूल्हे पे की मॅगी. चूल्हे पे की मॅगी. मम्मी देखो गाउटी की जैसे बैठी हुई है. गाउटी में कैसे बैठते? गाँव में कैसे बैठते? आई भी बैठी है. सब लो. तू तू जा घरी. रियांश यहाँ पे है. चम्मच चम्मच है इथे. ये यहाँ पे आओ. यहाँ पे चुन चुन के लींबू तोड़े जा रहे. बोलते रियांश किसको बुला रहे हो? स्पून से खाओ, स्पून से. चम्मच से खाओ बच्चा, चम्मच से खाओ. खा खा हाँ. गिरो 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 गिरो. राहू दे तेल. तुला काय करायचं? बस खाली तेल. असं हे एरिया बघितलं तर असं वाटतं की आपण कोणत्या तरी गावात राहतो. आणि असं समोर बघितलं तर कसं वाटतं हे कसं डिफरन्स आहे ना इथं आणि इथं. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर. रितु एट का टेबल सच में सुनाओ. अभी अभी गाना कौन सा गा रही थी? वो हीरोइन का नाम क्या है? कटरी ना. गाना गाओ दीदी. एट का टेबल. अभी एट का टेबल. अभी एट का टेबल. तो ऋतु को पूरे गाने लन है लेकिन टेबल टूटक लेके हम मैंने दस तक टेबल लिखे. आप देखिए नीचे कमेंट में. उसको टेबल लन नहीं है लेकिन सॉन्ग पूरे लन है. कोई भी सॉन्ग पूछो वो गा के सुना देगी लेकिन टेबल लन नहीं है उसको अभी तक. तो फ्रेंड्स अभी 11:54 हो रहे और बाकी के सब लोग सो गए हैं. और मैंने अभी जस्ट वीडियो एडिट किया है. मॉर्निंग में अपलोड करूँगी क्योंकि घर में जो है नेटवर्क नहीं आता है प्रॉपर. मतलब वीडियो अपलोड नहीं हो पाती है उसके लिए जो है बाहर बैठना पड़ता है. और बहुत ज़्यादा नींद आ रही है मुझे. नाइट के टाइम में थोड़ी शांति रहती है घर में तभी मैं वीडियो एडिट कर पाती हूँ. नहीं तो पूरा दिन चिल्लाते रहते हैं ऋतु रियांश हो. मतलब एक स्पेसिफिक जगह नहीं मिलती जहाँ पर मैं शांति से वीडियो एडिटिंग कर सकूँ. इसलिए जो है रात का टाइम ही होता है. और लेकिन रात के टाइम में ऐसा होता है कि नींद भी बहुत ज़्यादा आती है क्योंकि सब काम वाम करने के बाद मतलब थोड़ा थक जाते हो मैं.
तो फिर नींद भी आने लगती है। तो अभी जो है 12 बजने आ रहे हैं, मेरा मैंने वीडियो जो है एडिट कर दी है, मॉर्निंग में अपलोड करूँगी। थोड़ा मैं टाइम मैच नहीं कर पा रही हूँ, मतलब एक फिक्स टाइम नहीं कर पा रही हूँ कि मैं वीडियो अपलोड करूँ, क्योंकि एडिटिंग में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है, मतलब लगता ही है एडिटिंग में टाइम, 2 घंटे तो आराम से लगते हैं। तो इसलिए जो है मेरा टाइम थोड़ा ये हो रहा है। तो ही नए नए ब्लॉग मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तो अभी हम करते हैं ब्लॉग का एंड। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।